ভাঙরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সমস্যা হলে পুলিশ দেখবে মন্তব্য করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। এই লেভেলে তো আমরা জানবো না কাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে না দেওয়া হয়েছে। আর যদি ভাঙড়ে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হচ্ছে আই এম শিওর পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আমরা যেখান থেকে পেয়েছি সেখানে মিটিয়ে দিয়েছি। বিজেপি সাংসদের নেতৃত্বে বিক্ষোভের নামে তাণ্ডব চলল রায়গঞ্জের গণনা কেন্দ্রে। রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজে উল্টে দেওয়া হলো টেবিল। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে বিডিওর অস্থায়ী চেম্বারে ঢুকে হম্বিতম্বি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। বিক্ষোভের সময় বিডিওকে জাপটে ধরে বাঁচান বিডিও অফিসের এক কর্মী, আর এই ঘটনার পরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিডিও। हम यहां आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरी अगुवाई में 4 एमपीज की एक टीम बनाई है। सत्यपाल सिंह जी हैं, लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं, मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। रेखा वर्मा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ब्रिजलाल जी हैं, वो राज्यसभा के एमपी हैं, वो यूपी के फॉर्मर डीजीपी रहे हैं। और डॉक्टर राजदीप रॉय ये भी लोकसभा के एमपी हैं आसाम से। हम सभी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी मौत हुई है, इतनी हत्या हुई है, इतनी गोलीबारी हुई है, इतना बॉम्ब चला है। लोकतंत्र में ये क्यों होना चाहिए? तो हम लोग विजिट करेंगे इन सारे इलाकों को। आज अभी निकलेंगे कलकत्ता से, कल भी जाएंगे, फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल भी जाएंगे, और उसके बाद जाकर के हम विक्टिम से मिलेंगे, सबों से बात करेंगे ये स्थिति क्यों हुई है, और उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रिपोर्ट देंगे।